कमिश्नरी में कार्यरत अपर आयुक्त न्यायिक धीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रशासनिक अधिकारी आफताब अहमद अंसारी तथा वरिष्ठ सहायक दयाशंकर भारती की सेवानिवृत्ति पर मंगलवार को विदाई समारोह का आयोजन आयुक्त सभागार में किया गया। इस मौके पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने रिटायर्ड कर्मचारियों को माल्यार्पण, अंग वस्त्र तथा स्मृति चिन्ह देकर विदाई दी तथा उनके दीर्घायु, स्वास्थ्य तथा उज्ज्वल भविष्य की कामना की। अपने संबोधन में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि सेवानिवृत्ति पर एक सामान्य प्रक्रिया है, व्यक्ति जब सेवा में आता है उसी समय उसकी सेवानिवृत्ति की अवधि भी तय हो जाती है। सकुशल सेवानिवृत्ति एक बड़ी उपलब्धि होती है। सभी सेवा का एक सेवाकाल होता है और उसमें निवृत्ति होना निश्चित है। मंडलायुक्त ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद अब नए जीवन की शुरुआत करने का अवसर है। लक्ष्य और ध्यान यह रखना चाहिए कि जब हमें ईश्वर ने इस पृथ्वी पर मानव शरीर प्रदान कर भेजा है तो हमें मानवीय धर्मों, मूल्यों का पालन करना चाहिए ताकि जीवन की गुणवत्ता बनी रहे। हम सबको अहंकार परित्याग कर अच्छे कार्यों के प्रति सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य केवल निमित्त मात्र है। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन ए.के. सैनी, अपर आयुक्त न्यायिक रति भान, संयुक्त विकास आयुक्त उग्रसेन पांडे, जे.सी. फूड ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। अपने वरिष्ठ सहायक श्री अफताब अहमद जी और सभागार में 31 वर्ष की सेवा सपूर्ण की है, काफी लोगों पर कार्य किया है, तो आप सभी साथियों को आज हम यहाँ पर अपनी भावभीनी बधाई दे रहे हैं। मैं सर यहाँ पे 96 में आया हूँ और सबसे मैं यहाँ कमिश्नरी में हूँ। शुरू में मैं कुछ दिन था यहाँ कार्यालय पे, फिर मैं कैंप कार्यालय चला गया, फिर कैंप कार्यालय, फिर मैं यहाँ मिला। आपको कुछ देने का खास नहीं मिला, आपको कुछ देने को खास, क्योंकि है ही नहीं इस दुनिया में ऐसा जो रहे हमेशा साथ। इसलिए देते हैं शुभकामनाएं दुनिया की सारी, हमेशा सफलताओं और खुशियों से झोली भरी रहे आपकी। आप सभी थे जिनसे, जिनके सर पे मैंने बहुत कुछ इनसे सीखा। मेरी सर अभी भी हिंदी उतनी सही नहीं, पहले बहुत खराब हुआ करती थी, तो मात्राएं बैठ के सर मेरा सही कराया करते थे। सर आफ्ताब सर हमारे बड़े भाई हैं और हमेशा हर सुख दुख में हमारे साथ रहे हैं। अपराय साहब, हम लोग आपके बारे में क्या बोल सकते हैं सर, लेकिन आफ्ताब सर उसके साथ हमेशा काम किया गया है और इनकी कमी इस परिवार को खलेगी। और शुरू से नाजिर इनका बड़े बाबू, हम लोग के बड़े भले हो गए थे प्रशासन कर रहे हैं, लेकिन हमेशा नाजिर नारी साहब इनको बुलाते थे सब लोग, इनका नाम ही नाजिर साहब हो गया था। तो जब मैं कमिश्नरी में आया था तो सर मैं समझता था पहले नाजिर जो इनका नाम ही है, तो अब इनके इस जगह को लेने के लिए भी हमारे और साथियों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे जितने सर लोग हैं इनकी कमी के लिए तो बहुत दिक्कत होगी। प्रताप सिंह, अलग बात है कि वो 5 महीने के लगभग हमारे साथ में रहे, परंतु क्योंकि खासकर जो हमारे लॉकडाउन की इस अवधि में भी हम लोग अक्सर दोनों ऑफिस में बगल में रहते थे, तो जो है उस समय वार्ता बहुत ज़्यादा होती थी और अपने अपने अनुभव जो है हम पे डिस्कशन होता रहता था कि आपने ये किया, उसने ये किया। और हमारे आफ्ताब अहमद अंसारी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैंने इनको लगभग इतने 23 महीने की इस अवधि में ये चीज़ देखी कि इनको मैंने शायद एक बार इनके ससुर के इंतकाल में ही केवल एक छुट्टी पे गए, अदरवाइज मैंने संडे को भी, क्योंकि अक्सर बहुत सारे ऐसे काम होते थे मुझे भी करना पड़ता था, तो बाकी चाहे भले ही स्टाफ ना हो परंतु आफ्ताब अहमद जो है जरूर ऑफिस में पाए जाते थे। तो ये उससे लगता है, क्योंकि वजह क्या है, या इनके पास कई सारे पटल भी रहे और पटल केवल ऐसे नहीं होते, उसके लिए प्रयास भी करना पड़ता, मेहनत भी करनी पड़ती है। परंतु कभी कभी यहाँ आकर मुझे महसूस हुआ कि बहुत सारे हमारे ऐसे कर्मचारी हैं जो मतलब प्रयास भी नहीं करते हैं, मतलब हमको ऐसा कभी कभी महसूस होता कि उन लोगों को सीखने की कोई क्षमता कभी कभी ऐसा महसूस होता था। तो कभी मेरे पास आए कि सर मैं ये इसकी जगह मैं ये काम करना चाहता हूँ, बड़ा ताज्जुब होता है, मतलब ये चीज जो है। अदरवाइज क्या है कि जिसकी वजह से इनके 5-6 तरह के पटल अपने आप काम देखना
वो इसी कारणों की वजह से भी रहा, क्योंकि कोई उत्साह लेता तो शायद वो कार्यभार किसी और के पास होता। फिलहाल रिटायरमेंट के बाद जो है किसी ना किसी को कार्यभार मिलेगा, परंतु ये जिम्मेदारी बाद में पता चलेगी, क्योंकि मैं कुछ व्यक्तिगत रूप से जिन लोगों को जानता हूँ जिनके अंदर उत्साह है थोड़ा बहुत, तो उन लोगों को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। और हमारे इस समय वरिष्ठतम जो है विनय दुबे जी हैं, उनका अभी एओ के लिए जो है राजस्व परिषद को लेके भेजा गया है, जो अनुमोदन आ जाएगा नहीं तो तब तक कार्य जो है कार्यभार जो है दिया जा सकता ही है। उन लोगों को उनके भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए, उनके स्वास्थ्य, उनके परिवार की जो है परिवार की जो है कामना देता हूँ, कम से कम ये भविष्य में ठीक रहे। तो हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी और आप अप्रैल में मिले हैं, सो अप्रैल में टैग हुए, मुझे आपका नोखी लाली नाम याद आ गया श्री भारती जी और बाकी सभी उपस्थित कमिश्नरी ऑफिस के कार्यकर्ता। महाभारत का मुझे अभी जब प्रतिमान जी बात कर रहे थे तो मुझे महाभारत का एक प्रसंग याद आ रहा था, तो उससे मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। उसमें एक प्रसंग जो है यक्ष प्रश्न का है। जब पांडव अज्ञातवास में थे तो एक समय ऐसा आया था कि यक्ष मतलब वो स्पॉन का जो वाटर बॉडी थी, तालाब था, यक्ष उसका ओनर था और यक्ष ने युधिष्ठिर को छोड़ के चारों पांडवों को मार दिया था, क्योंकि उन्होंने पानी पीने का दुस्साहस यक्ष की अनुमति के बिना किया था। ये प्रसंग शायद आप लोगों ने सुना होगा। यक्ष प्रश्न अब मुहावरा बन गया, हिंदी का एक मुहावरा बन गया कि ये, और उसमें कई प्रश्न होते हैं जिसका युधिष्ठिर एज अ धर्मराज उसका रिप्लाई देते हैं, और उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिससे यक्ष बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं, और वो शायद आखिरी क्वेश्चन होता है। और उसमें यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं कि धर्मराज आप ये बताएं कि सबसे बड़ा पृथ्वी का आश्चर्य क्या है, और युधिष्ठिर कहते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि आदमी को पता है, प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि मृत्यु अंतिम सत्य है, और फिर भी इस अंतिम सत्य से व्यक्ति बचता है, बचने के कई उपाय करता है, और जब ये पास आता है अंतिम सत्य उससे डरता है, जबकि होना ये चाहिए कि अंतिम सत्य तो अंतिम सत्य है, उसको स्वीकार करना ही है क्योंकि वो आना ही है, और इसलिए युधिष्ठिर कहते हैं कि ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। और ये अच्छे से बहुत खुश होते हैं, सेवा काल है, एक सेवा की अवधि है, उस अवधि का पूर्ण होना और पूर्ण होने के बाद में सेवा निवृत्त होना भी उतना ही बड़ा नेचुरल सत्य है, वो होगा ही, और इसमें कोई विचलन होने की और विचलित होने की बात नहीं। आज हम 2020 में बैठे हैं और यहाँ पर 2020 में रिटायरमेंट के भी मायने बदल चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ, कई लोग ऐसे हैं, और मैं शीर्षस्थ अधिकारियों की भी बात कर रहा हूँ जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद सेवा काल में जितना नाम नहीं कमाया, उन्होंने सेवा काल सेवा निवृत्त होने के बाद में अपना नाम समाज की सेवा करके, धार्मिक सेवा करके, कुछ लोगों ने दार्शनिक दर्शन के रास्ते पर निकल गए, उसकी सेवा करते हुए उन्होंने वो नाम कमाया है। लक्ष्य और ध्यान इस बात का रहना चाहिए, और ये मैं आप सभी को कह रहा हूँ क्योंकि ये तो सत्य है कि जो हमें भी फेस करना है, अब ये हो सकता है कि मुझे 2038 में फेस करना है, किसी को 2035 में फेस करना है, वो जैसे जैसे हम आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सत्य मेरे सामने नहीं आएगा, लेकिन ध्यान ये रहना चाहिए। और ये बात मैं आज के अवसर पर यही कहना चाहूंगा, मूल्य मेरा दिन में यही रहेगा कि हम जब इस धरा पर हैं, इस पृथ्वी पर हैं, एक जो ह्यूमन लाइफ है, जो हमें व्यक्ति के रूप में, हम हिंदू धर्म की यदि बात करें तो 84 करोड़ योनियों की बात होती है। मैं अपने हिंदू धर्म को ज़्यादा पढ़ा है तो मैं उससे रेफरेंस ड्रा कर रहा हूँ, लेकिन बात समझ नहीं सकते हैं, 84 करोड़ योनियों में मनुष्य एक योनि है। तो यदि हमें इंसान का रूप मिला है तो ये बहुत आवश्यक है कि हम ये समझें कि ये कितना मूल्यवान चीज़ है, और प्रत्येक सुबह उठ के सबसे पहले इसके लिए उस प्रकृति को, या आप परमात्मा में यकीन करते हो, परमात्मा को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है कि तुमने 84 करोड़ योनियों में मुझे आदमी बनाया, मुझे इंसान बनाया। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे हम रोज मिस करते हैं।
सुबह उठ के सिर्फ हमें ये कहना है कि थैंक यू आपने मुझे इंसान चुना। दूसरी चीज ये हमारा नेचर हो गया है इस लाइफ में कि जो भी हमारे पास नहीं होता है, जो भी नहीं है या जिसे कहते हैं जिसका अभाव है, उसको हम इतना देखते हैं कि हमारे पास जो भी है हम उसके लिए प्रकृति को, परमात्मा को, अल्लाह को, भगवान को धन्यवाद नहीं देते। ये दूसरी चीज है जो दूसरी मिस्टेक हम रोज करते हैं। सो ये दोनों चीजें हमें हम लाइफ में अपनानी है। और अब आपके पास सरकारी सेवा से जब आप विरत हो रहे हैं तो आपके पास और टाइम होगा, और मुझे लगता है कि उस रास्ते पर जाना और उस अंतरात्मा परमात्मा को धन्यवाद देना जो कुछ हासिल हुआ और जो कुछ हासिल ना हुआ, उन दोनों के लिए धन्यवाद देना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। दो बातें मैं कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक, ऊपर वाले को, उसको ऊपर वाले का मतलब मैं ऊपर वाला शब्द जानबूझ के यूज कर रहा हूँ, मैं उसको धार्मिक भाषा में बांधना नहीं चाहता कि अल्लाह कह रहे हैं या आपका ऊपर वाला, सबका अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग भाग्य को मानते हैं, कुछ लोग प्रकृति को मानते हैं, कुछ लोग विष्णु भगवान को मानते हैं, कुछ अल्लाह को मानते हैं, वो जिसका ऊपर वाला आपका जो भी हो। लेकिन दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, कि हम ऊपर वाले को धन्यवाद दें उस सब चीज के लिए जो हमारे पास आज है, और हम अपना कर्म ऐसा करें कि उसको गुमान हो कि इस आत्मा को मैंने शरीर, मानव शरीर दिया, कि मैंने ठीक ही किया। और ये दोनों चीजें करने का अब आप लोगों के पास अवसर ज्यादा है, और मैं आशा करता हूँ कि करेंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत की, जब आप लोगों ने सर्विस ज्वाइन की थी 80 के दशक में की होगी, तब से लेके अब तक बहुत बढ़ गई थी। सो कहने की बात है कि 60 साल में आप रिटायर हो गए, जीवन से रिटायर अभी आप नहीं हुए हैं ना होंगे। मेरी प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आप 40 वर्ष और जिए। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हम कितने वर्ष जीते हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि जितने वर्ष जीते हैं, जितने दिन जीते हैं, जितने सप्ताह जीते हैं, जितने माह जीते हैं, उसमें गुणवत्ता कितनी है। एक एक दिन जो हम जीते हैं उसमें गुणवत्ता कितनी है, कितने लोगों के जीवन को हम टच करते हैं अपने क्रियाकलापों से, वो महत्वपूर्ण है। आयु कितनी हो ये मायने नहीं रखती, मायने ये रखती है कि जितने दिन आप इस धरा पर थे उतने दिन आपने कितने व्यक्तियों की लाइफ को पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से टच किया, और वो प्रयास अब आप और सार्थक रूप से, और प्रगाढ़ रूप से, और गहन रूप में कर पाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, हम सभी उपस्थित हैं, आज मैं यहाँ हूँ, कल नहीं और होगा, दूसरे मंडा लेकर आएंगे, लेकिन ये कमिश्नर और कमिश्नर परिवार, कमिश्नरी परिवार आपके साथ खड़ा है। कभी भी कोई समस्या है हम लोग आपके साथ खड़े होंगे, ऐसा मेरा आश्वासन है आपको, मेरा विश्वास है। और हम आशा करते हैं कि आपका जीवन गुणवत्तापूर्ण हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, और आपका परिवार और पारिवारिक जीवन मंगल में। धन्यवाद। ये लोग ये ना कहे सोशल